गेंदे के जो सीड्स होते हैं ना, कैसे उगाना है, एक गेंदे के फूल से आप बहुत सारे ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। गमला कैसे तैयार करना है, खाद कितना मिलाना है, कितना मिट्टी लेना है, ठीक है, गमला में मतलब कौन सा, मतलब क्या क्या चीज़ फर्टिलाइज़र वगैरह देना है, पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गेंदे के फूल मतलब सीड्स उसी में से मैंने डाले थे और आज वो मतलब उगना शुरू हो गए हैं। तो आज मैं इसी में इसको पोट करने वाला हूँ, ठीक है, इसी में सिलेक्ट करने वाला हूँ इस गमले में। तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही गजब की जानकारी। अगर आप भी शौक़ रखते हैं पेड़ पौधे लगाने का अपने घर पे, फूल वाले या फल वाले, कोई भी पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे जो होते हैं ना घर की शान को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने गेंदे के जो सीड्स हैं ना यहाँ पे डाले थे, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का। मैंने इसमें सीड्स डाले थे, कैसे कैसे सीड्स को डालना है, कितना खाद मिलाना है, पूरी जानकारी दिया था। यहाँ पे गेंदे के आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं अभी एक दो प्लांट मैं गमले में पोट करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से, ये गिलोय का बेल है जो कि काफ़ी ग्रोथ इसका हुआ था और अभी पतझड़ चल रहा है तो पत्ते इस पर नहीं है। इसमें देखिए बोगनवेलिया का प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए इसका मैंने कटिंग किया था जो कि बहुत ज़्यादा फैल गया था। हमारे घर पे लोग ना इसका केयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल गया था ये। यहाँ पे देखिए जो जितने भी गमले हैं ना, बाल्टी के जितने भी गमले हैं, सभी में कोई ना कोई प्लांट लगा हुआ है लेकिन अच्छे से नहीं लगा। इसमें से कुछ मैं प्लांट को उखाड़ करके फेंकने वाला हूँ जो कि बिल्कुल व्यर्थ हैं। यहाँ पे देखिए मैंने गमला तैयार किया है, ये देख सकते हैं अच्छी तरह से, तो इसी में मैं पोट करूँगा। और देखिए मेरे घर के दरवाजे का छज्जा है जिसके ऊपर मैंने गमले वगैरह लगाए के रखे हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं ना घर की शान को बढ़ाते हैं, फूल वाले, खास करके एक बोगनवेलिया को अगर लगा लेते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल खिलते हैं। तो चलिए अब हम इसको पोट करते हैं। तो देखिए कैसे इसको आस्ते से निकालना है। यहाँ पर देखिए हम कोई भी एक प्लांट यहाँ से निकाल लेते हैं, मान लो कि इसको हमको निकालना है तो जड़ समेत इसको लेना है, ऐसा नहीं है कि हाथ से उखाड़ना है। ये देखिए हमारा प्लांट आसानी से निकल करके आ गया है। तो हम इसमें लगाएंगे दो प्लांट, देखिए एक और हम ले लेते हैं और ये जब और बड़े होंगे तो और भी मैं गमले में इसको लगाने वाला हूँ। एक और ले लेते हैं, केवल दो मैं यहाँ पर प्लांट लगाऊँगा इस गमले में। देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, इसमें दो पौधे और हैं, एक ये है, तीन पौधों को चलिए मैं गमले में पोट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने प्लास्टिक का गमला ले लिया था, 40 रुपये का आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने मिट्टी कैसे तैयार किया ये तो मैंने बता ही दिया है वीडियो में, चलिए इसको पोट करते हैं। यहाँ पे एक और हमारा पौधा है तो उसको भी इसके बराबर में इसको पोट कर लेंगे। तो देखिए एक फूल से हमने बहुत सारे गेंदे के पौधे तैयार कर लिए हैं और ये देसी पौधा है गेंदे का। गेंदे जो होते हैं और भी कई वेराइटियों में होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। अभी फ़िलहाल में मैंने तीन पौधों को लगाया है, बाकी का जब ये और बड़े हो जाएंगे तो और हम गमलों में इसको पोट करने वाले हैं। तो गमले को रख देते हैं हम साइड में अभी फ़िलहाल में। तो अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मकोए का पौधा भी लगा हुआ है जिसपे देखिए अभी फल आना शुरू हो गया है और पकने का एक वीडियो और बनाऊँगा। गिलोय जो होता है ना बहुत ही गजब की चीज़ होता है, ये विटामिन सी से भरपूर होता है, ये पेट के रोगों को ठीक करता है, ठीक है, लीवर किडनी में अगर सूजन आ जाए ना, बुखार को भी यहाँ तक के ठीक करता है ये। यहाँ पे देखिए जो प्लांट है ना ये बिल्कुल व्यर्थ है, बैंगन का पौधा है, इस पर कुछ नहीं है, हम इसको खाड़ करके फेंक करके इसी में भी हम एक आध प्लांट हम गेंदे का लगा देते हैं। यहाँ से हम एक पौधा और निकालेंगे, ये देखिए हमने आसानी से निकाल दिया है, इसको हम उसी में पोट करेंगे जिसमें बैंगन का प्लांट था। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं लगा देता हूँ गेंदे का प्लांट। तो देखिए मैंने ना गेंदे का प्लांट इसमें लगा दिया है, हालांकि इसमें मैं और भी प्लांट लगाने वाला हूँ और
गेंदे का जो प्लांट है जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें से फिर से मुझे इसमें से उखाड़ करके दूसरी जगह इसको पोट करना है, इसमें और मैं प्लांट लाने वाला हूँ। ठीक है, तो खास करके बरसात का सीज़न है, अभी बरसात हो रही है, तो बरसात के मौसम में ना पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अगर कोई भी पौधा आप लगा रहे हैं ना तो बरसात के सीज़न में लगाएँ, अच्छे से आप ग्रोथ कर सकते हैं पेड़ पौधों की। तो भाई आज के जो ब्लॉग में ना इतना ही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।